त्रिपाठी में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग दुर्गा माता का स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में भी यानी आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इसी तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पोस्ट वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको ऑल वाला ऑप्शन पर जाकर यहाँ से अपना फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम अपने पोस्ट रहेंगे वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आपको 24 पोस्ट है वो ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं अपने 24 पोस्ट रहेंगे वो ऐड कर लूँगा। तो उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारे 24 हो गए और यहाँ से आपको तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसी तरह से आने के बाद दोस्तों यहाँ से ऊपर ओरिजिनल है वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने जो म्यूज़िक रहेगा उसे आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं अपना म्यूज़िक पहले वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से म्यूज़िक बिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से यहाँ पर आपको बिट देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको सभी इधर बिट है वो ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम एक्स्ट्रा हमारे बिट है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम जितने भी हमारे बिट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से आपको ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम यस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम अपने जो इधर देख लेना है अपने बिट है वो टोटल कितने हो गए। तो यहाँ से हमारे बिट है वो एक्स्ट्रा 5 बिट और एक्स्ट्रा हुए तो यहाँ से हम 5 फोटो और ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से पीछे वाले ब्लैक स्क्रीन को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम अपने 5 फोटो रहेंगे वो और ऐड कर लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ से मैं अपने 5 फोटो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको फोटो वाला ऑप्शन पर जाके और उसी तरह से यहाँ से हम अपने 5 पोस्ट और ऐड कर लेंगे जो कि देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम 5 पोस्ट ऐड कर दिए। करने के बाद दोस्तों यहाँ से तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आगे की तरह आ जाना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आगे की तरह आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम यहाँ पर आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली उसे आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से यस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा और कुछ ही देर में हमारा वीडियो रहेगा वो उधर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको तो कुछ देर इधर तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमारा जो वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से ऐड हो चुका है। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम अपने बिट रहेंगे वो ऐड करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ से हम अपने बिट को कुछ इसी तरह से यहाँ से कर देंगे। तो दोस्तों उसी तरह से आपको यहाँ तक अपने बिट रहेंगे वो बहुत ही क्लासिक और बहुत ही यूनिक देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये अपने बिट है कम से कम आपको 19 सेकंड तक आपको कुछ इसी तरह से आपके बिट से बिट ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको 19 सेकंड तक आ जाना है और यहाँ से आपको एक बड़ा बिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक आपको उसी तरह से आपके सभी बिट है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने पहले वाले जो इफेक्ट है उसमें आपको इफेक्ट्स में जाना है और ये वाला आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इधर से आपको ये जटर अप वाला इफेक्ट ये ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यस पे क्लिक कर देना है। उसी तरह से इसे हम इफेक्ट्स पर क्लिक करके फुल करके यस पे क्लिक कर देना है। उसी तरह से आपको 19 सेकंड तक ये का ये इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से 19 सेकंड तक आपको 19 सेकंड वाले में आपको अलग तरह का एक इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ तक आपको अपने इफेक्ट रहेंगे कुछ इसी तरह से कर देना है और यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा ये एक जिसे आपको जो कि यहाँ से 20 सेकंड के आजू बाजू जो आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपका इफेक्ट रहेगा वो ये वाला इफेक्ट आपको अलग तरह का करना है। इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आपको ब्लैक स्क्रीन वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इस छोटे वाला इफेक्ट को आपको वापस उसी तरह से आपको कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा वो वापस चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा आपको इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आपको जूम आउट का एक इफेक्ट देखने को मिलेगा ये ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से आपको एंडिंग तक आपको जूम आउट का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों जो स्क्रीन पे देख रहे थे उसी तरह से आपका वीडियो रहेगा वो बन के रेडी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आपका अपना वॉल्यूम है उसे आपको फुल कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इस वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है ऐसे इस पर क्लिक कर देना है जो कि वीडियो रहेगा इसलिए आपको मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।